नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के साथ ही अन्य पदाधिकारी ने शहर के पुराने कोतवाली से लेकर एलवल व आसपास के क्षेत्र में ढोल ताशा व भक्ति संगीत के साथ भगवान के जयकारे के साथ अयोध्या से आए उचित अक्षत व पत्र का घर घर जाकर वितरण किया। इस दौरान लोगों से 22 जनवरी को घर पर दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाने की अपील भी की। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पुरानी कोतवाली से अयोध्या से आए पूजित अक्षत व पत्र के वितरण का कार्य शुरू हुआ है, जो एलवल तक पहुंचा है और यह आगे भी जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोगों से अपील की जा रही है कि 22 जनवरी को अपने अपने घर पर दीपोत्सव मनाएं। सुनते हैं सुरेंद्र लाल अग्रवाल ने क्या जानकारी दी। मेरा नाम शैलेंद्र अग्रवाल है और आज हम लोग राम मंदिर द्वारा आया हुआ पूजित अक्षत घर घर वितरण कार्यक्रम रखे हैं। उसी उपलक्ष में आज हम लोग नगर के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न मोहल्लों में जा जाकर घर घर लोगों को अक्षत दे रहे हैं, पत्रक दे रहे हैं और उनसे ये निवेदन किया जा रहा है कि 22 तारीख को सभी लोग अपने घरों में दिया जलाकर दिवाली पर्व मनावें। ये कार्यक्रम कहाँ शुभारंभ हुआ है? ये कार्यक्रम हम लोग पुरानी कोतवाली पार्क से प्रारंभ किए हैं और अभी हम लोग एलवल मोहल्ले में हैं। अभी हम लोग आगे और जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये पूजित अक्षत हर घर में पहुँचे और 22 तारीख को सभी लोग अपने घरों में दिया जलाकर दिवाली पर्व मनावें। जय श्री राम।